में दामोनगर स्थित आदिवासी रहवासी सेवा संघ के सैकड़ों रहवासियों को सार्वजनिक शौचालय का मिलेगा सौगात। दरअसल यह सौगात ठाकुर रमेश सिंह के प्रयत्न और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव के अत्यधिक प्रयत्न से मिल रहा है। और यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ठाकुर रमेश सिंह ने आज इसका भूमि पूजन किया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद एक बार फिर से ठाकुर रमेश सिंह आजादवाड़ी रहवासी सेवा संघ के लिए एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से बना यह शौचालय जर्जर हो चुका है, जिसको लेकर ठाकुर रमेश सिंह और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव प्रयत्न कर रहे थे, जिसमें आजादवाड़ी रहवासी सेवा संघ को यह मौका मिला। तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो शौचालय जर्जर अवस्था में है, इसे करीब 20 साल पहले ठाकुर रमेश सिंह के प्रयत्न से ही बनाया गया था, लेकिन अब यह सौगात एक बार फिर से लोगों को मिलने जा रहा है, क्योंकि मुंबई का यह पहला शौचालय बना था जो 2 मंजिला शौचालय था, जिसको खुद ठाकुर रमेश सिंह ने बनवाया था। अब तस्वीरें देख पा रहे हैं, सुबह से यादव के नेतृत्व में उनके दफ्तर में ठाकुर रमेश सिंह का स्वागत किया जा रहा है। दरअसल 36 सीटों का शौचालय अब लोगों के लिए जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका शुभारंभ आज कर दिया गया है। ठाकुर रमेश सिंह ने नारियल तोड़कर इसका शुभारंभ किया। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ इसका शुभारंभ किया जा रहा है। रामचंद्र जिसकी जरूरत पड़ती है। अभी ठीक है, सुभाष भाई का बहुत होता कि हमारा शौचालय डेंजर होकर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मतलब ठीक है, आप लेटर दो करवाते हैं। अब आजादवाड़ी के सभी रहवासियों का सहयोग और वो साथ इसके साथ जो फंड पास हुआ उसका हमने उसमें मदद किया। कितने फ्लोर का जितने फ्लोर है उतना ही बनेगा, उतने ही सीट का है। कब तक बनकर उम्मीद है तैयार होगा? अब देखो ये चलेगा तो इसमें टाइम तो जाएगा, 6 महीना पकड़ के चलो। यहाँ से कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है, समझ जाएगा? अब यहाँ से तो देखने जाओ तो आजादवाड़ी, बारकिया कंपाउंड है, रामवाड़ी है, लक्ष्मी नगर के कुछ पार्ट आएंगे, तो पूरे लोगों को है। किस फंड से बनाया जाएगा? ये है MHDP फंड है, पालक मंत्री का फंड है, उसमें बन रहा है। मुलेश करके फिर से नया बनाया है। भला होगा कि जो ऐसा ही बनेगा जैसा बना के मिला है, अभी तो कोई जो तोड़ दिए वो अभी बना नहीं, वैसा सिंगल ही बन गए। बनाया गया तो उसको बना के आज कितना साल हो गया है? कितना साल हो गया? 22 साल हो गया। डेंजर पोजीशन का इसके लिए फिर
सरकार की तरफ से मोबाइल की व्यवस्था की गई है, तो उस हिसाब से वहाँ पर रखा जाएगा मोबाइल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठाकुर रमेश सिंह जी जो 20 साल पहले यहाँ के स्थानीय कामदार नगर सेवक हुआ करते थे, उनके कार्यकाल के अंदर आजादवाड़ी रहवासी संघ के अंदर 36 सीट शौचालय का आज जिस जगह का भूमि पूजन हुआ इस बन के तैयार हुआ था। और जहाँ तक मुझे याद है कि पूरे मुंबई के अंदर सबसे पहले SSP वालों ने जो डबल महले का शौचालय बनाया था वह आजादवाड़ी से ही शुरुआत हुआ था, और आजादवाड़ी के बाद कई जगहों पर क्या नाम रहवासियों ने इस शौचालय को बनवाया। जैसे रमेश सिंह जी उस समय जब भी नगर सेवक हुआ करते थे, उन्होंने नरसिंहपाड़ा के अंदर, हनुमान नगर के अंदर, जानूपाड़ा के अंदर कई जगह ऐसे डबल महले का शौचालय उन्होंने बनाया, और इससे यहाँ के रहवासियों को बहुत लाभ मिलता था। क्योंकि उस समय जब शौचालय बन के तैयार हुआ, उस समय रहवासी संघ की जो जनसंख्या इसको इस शौचालय का उपयोग करती थी, कम से कम मुझे लगता है कि 5 से 6 हज़ार लोग इसको यूज करते थे। क्योंकि इसके अंतर्गत आजादवाड़ी, बारकिया कंपाउंड, रामवाड़ी, आधा सिंह स्टेट बस्ती आती थी, और लक्ष्मी नगर के अंदर भी उस समय शौचालय नहीं था। तो कुछ बस्ती के लोग, क्या नाम, हमारे दामोनगर के लोग भी यहाँ आते थे, और इतना बढ़िया ये शौचालय बना था कि रमेश सिंह को इस शौचालय के नाम से लोग जाना जाते थे कि अगर कोई काम करते हैं तो ठाकुर रमेश सिंह करते थे, जिसके कारण उन्होंने 20 साल तक इस क्षेत्र के अंदर नगर सेवक रहे। आज यह शौचालय जर्जर हो गई थी, इसके लिए हमने आज हम 1.5 साल से भाग दौड़ कर रहे थे फंड के लिए। कई जगह हमने आवेदन किया लेकिन नहीं हो पाया, तो लास्ट में हमको ठाकुर रमेश सिंह जी को ही पकड़ना पड़ा, और मैं आजादवाड़ी रहवासी संघ से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और आज वह समय आ गया कि इस भूमि पूजन का आज उद्घाटन हुआ है उनके कर्मों द्वारा। और आने वाले समय में, जहाँ तक मैं जानना चाहता हूँ, ठाकुर रमेश सिंह जी के बारे में यहाँ के लोग, रहवासी लोग जानते हैं कि चाहे वो गटर की समस्या रही हो, चाहे पानी की समस्या रही हो, चाहे रोड की समस्या रही हो, ठाकुर रमेश सिंह हर घर घर के अंदर जाते थे और हर घर घर के लोग उनसे परिचित हैं। आप देखे होंगे थोड़ा कई कारणों के कारण वो उनका विलम्ब हुआ यहाँ आना, यहाँ के लोग जो कि प्रमुख लोगों को बुलाया गया था, कम से कम 150 से 200 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। मैं वापस रहवासी संघ की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे कमेटी के मेंबरों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही गरीबों का काम करते रहें, आने वाला समय उनका रहेगा, यही शुभकामनाएं मैं उनको देना चाहता हूँ।